जी राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है। ये देखो कितने सारे कपड़े धोए हैं हमने, और वो परली साइड भी हैं बहुत सारे। पता नहीं क्या हुआ, मतलब बुखार भी नहीं लग रहा है, कुछ अजीब जैसी तबीयत है। और वो रहा हमारा हनी। तो चलो मैं ना अभी हम बनाएंगे कोफ्ता करी, बंद गोभी की कोफ्ता कड़ी, ठीक है। और सांस फूल रहा है, मतलब पता नहीं क्या हुआ है, मुझे नहीं पता, अजीब सा हुआ है कुछ। तो चलो मैं ये ट्राईपॉड लेके आ रही हूँ। मैं बाद में करूँगी आपसे ढंग से बातें, आराम से बैठ के। मैं ना गोभी को कद्दूकस कर लेती हूँ ना। चलो मैं आपको भी दिखाती हूँ।
तेल हमारा गर्म हो चुका है। देखिए हमारे कोफ्ते धीमी आंच पे इनको बनाना है, नहीं तो फिर बाहर से जल जाएंगे और अंदर से पक जाएंगे। तो अभी बिल्कुल नहीं टूट रहे हैं, देखो। तो मैं ये सारे ना बना लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये देखिए कोफ्ते कुछ जल गए हैं, मुझे लग रहा है कोई तो ठीक है ना। मैंने हन्नी को खड़ा किया था यहाँ पे, मैं नीचे गई थी किसी काम से, तो चलो कोई बात नहीं, मैं ये करती हूँ, बनाती हूँ। तो ये देखिए तेल गर्म हो चुका है, और ये मैं यहाँ पे बड़ी इलायची का टुकड़ा, 4-5 काली मिर्च और ये दालचीनी का टुकड़ा, इसको इसमें डाल रही हूँ। जो कोफ्ते इसी में तले थे मैंने, तो ये ऐसे रखा थे, पर बोलते हैं ना ये तेल खराब होता है, ये तेल खराब होता है जो तल के बचता है ना वो। ठीक है, और अभी हम थोड़ी सी मेथी डाल देंगे, साबुत थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा साबुत जीरा, चटक जाएगा, चटक गया मतलब चटक गया। हाँ, और ये देखिए अभी इसमें डालेंगे हम ये प्याज, अदरक और मिर्च। पकने देंगे इस तरह से ना, पक तो गया है ये, पर थोड़ी सी अभी इसमें है। और अभी इसमें डालेंगे हम टमाटर जो हमने कर लिए थे, ये देखो पूरा, अरे छूट ही नहीं रहे। इसको हम भून लेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो अभी टमाटर हमारे पक गए हैं, और इसमें डाल देना हमने 2 चम्मच बेसन, ठीक है। अभी इसको इसमें मिक्स कर लेंगे, और इसको फिर से ना 2 मिनट भूनने देंगे, पकने देंगे मतलब बेसन को। इसे
इसमें डाल देंगे हम पानी। अभी इसको पानी और डालूंगी मैं थोड़ा सा, क्योंकि बेसन जो है गाढ़ा हो जाएगा ना। देंगे अच्छी तरह से बेसन को पकने देंगे। टमाटर तो हमारे पक चुके हैं, अभी हम बेसन को पकने देंगे। ठीक है, 5-7 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो ये देखिए, ये हमारा पक चुका है और अभी हम डाल देंगे इसमें अपने कोफ्ते। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ये बन गए हमारे कोफ्ता कड़ी। और इसमें अभी हम डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। गैस कर देंगे बंद और ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया और लहसुन के पत्ते। तो ये देखिए, और अभी इसको खाएंगे हम। अभी तो जल्दी बना दिया है तो खाने का टाइम अभी नहीं है। ये देखिए, बनाइए खाइए और बताना मुझे कि आप लोगों के कैसे बने थे। ये देखिए, पानी इसमें और डाल सकते हैं आप, तरी भी और डाल सकते हैं। बस मैं चपाती के साथ खाएंगे आज, इनको चावल नहीं बनाएंगे। चलो, तो बन गई हमारी बंदू की कोफ्ता कड़ी। और आज है 21 फरवरी, तो मैं पिछले कल भी बोल रही थी ना कि हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तो हमारे 2 दिन होती है ना, जैसे शादी पहले दिन मामा आते हैं पहले दिन, और दूसरे दिन जो है बारात जाती है। तो शादी तो आज ही के दिन मैं दुल्हन बन के आई थी इस घर में, अपने ससुराल में 2003 में, 2003 में 18 साल हो गए आज। और 21 फरवरी 2 दिन की करते हैं हमारे की, 2 दिन की शादी है, 20 को शांति है और 21 को शादी है। तो बस यही था आज का वीडियो, कैसा लगा मुझे बताना जरूर कमेंट करके। और आप लोगों ने, एक बात और बता दूं मैं, कि आप लोगों ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी है और कॉन्ग्रेचुलेशन दी है, मुबारकबाद दी है, तो आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बस आज तबीयत थोड़ा सा डाउन थी और एक दिन से सोच रही थी कि ये बनाना है मैंने, और अभी हम करते हैं वीडियो का एंड। और आज 21 फरवरी को बिंदु ढिल्लो दीदी हैं, उनके बेटे का जन्मदिन भी है शायद आज ही, आज 21 है, तो उनको भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राम राम। पता ही नहीं लगा 18 साल कब गुजर गए।